Hello and welcome to MPPSC Adda. Hope you all are doing well. And today is 28th of January 2023. Today we are going to discuss few things about Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar. ठीक है, इसमें से आई एम इंदौर के एक स्टूडेंट है, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया है, उन्हें भी एक प्राइज मिला है ना। और जो बच्चे चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, तो अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है फ्लैट 500 का, उसमें 50 मॉक टेस्ट है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स भी है और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स ऑफ द डे। द क्वेश्चन इज आदित्य प्रताप सिंह चौहान, रिमेंबर दिस नेम, आदित्य प्रताप सिंह चौहान गॉट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राइट? ही गॉट दिस प्राइज इन विच फील्ड और विच ऑफ द कैटेगरी? ऑप्शंस आर इनोवेशन, ब्रेवरी, सोशल सर्विसेज, स्पोर्ट्स। द करेक्ट आंसर इज इनोवेशन। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये कितनी फील्ड्स में मिलता है? ये 6 फील्ड्स में दिया जाता है, ठीक, जिसमें से 4 तो आपके सामने ये है, इनोवेशन, ब्रेवरी, सोशल सर्विसेज, स्पोर्ट्स। उसके अलावा ये प्राइज जो है ये आर्ट एंड कल्चर में भी दिया जाता है, आर्ट एंड कल्चर और स्कॉलेस्टिक में भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना, 6 कैटेगरी हैं इसकी। और जो आई एम इंदौर के स्टूडेंट है ये, ठीक है, नाम है इनका आदित्य प्रताप सिंह चौहान, राइट। मूविंग, अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान रखिए, इन्होंने क्या किया है, आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया के साथ ही डेवलप्ड अ यूनिक टेक्नोलॉजी नेम्ड माइक्रोपा टू डिटेक्ट, ये याद कर लीजिए, टू डिटेक्ट एंड फिल्टर माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर, ठीक है। इन्होंने डेवलप किया है क्या, माइक्रोपा, जो कि डिटेक्ट करता है और फिल्टर करता है माइक्रोप्लास्टिक को पानी से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द क्वेश्चन इज हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इस कमीशन के चेयरमैन कौन है? ऑप्शंस आर मनोहर मुमतानी, राजीव करंदीकर, बसंत प्रताप सिंह, राजेश लाल मेहरा। इसमें से मैक्सिमम नाम जो है, या ऑलमोस्ट एक नाम को छोड़ के मैं सारे नाम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इसका करेक्ट आंसर है राजीव करंदीकर। ये इंदौर के रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंदौर के हैं, ठीक है। इन्हें NSC का चेयरपर्सन बनाया गया है। और NSC कब फॉर्म हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1st of June 2005। और ये किसकी रिकमेंडेशन में बना था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रंगा राजन कमिटी। रंगा राजन कमिटी की रिकमेंडेशन पे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बनाया गया 1st June 2005 में। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, ये मैंने अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ही आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, मनोहर मुमतानी। ये कौन है? ये मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के हेड हैं। और ह्यूमन राइट कमीशन कब बनाया गया है? 13th of September 1995। कहाँ पे है ये? ये भोपाल में है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अब बसंत प्रताप सिंह जी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ये कौन है? ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के हेड हैं, राइट? इसके हेड हैं। और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया है? 1st of February 1994। और जो लास्ट नेम है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस कमीशन को हेड करते हैं, दैट इज MPPSC। MPPSC के चेयरपर्सन हैं राजेश लाल मेहरा जी। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर ईजी है याद करना, 1st of November 1956, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नाम याद अभी रखना है किसका, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के हेड जो हैं राजीव करंदीकर, ठीक है, क्योंकि ये इंदौर से हैं। इसी टाइप से एक और हमने पढ़े थे बहुत पहले, 10-12 दिन पहले, दिनेश कुमार शुक्ला जी क्या हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये चेयरपर्सन है किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के ये हेड हैं। तो इसके बारे में आप मुझे बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि ये किस इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं, किसके चेयरमैन है ये, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ याद कर लेना, मैंने आपको क्या बताया, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन कब बना, 1st June 2005 में, किसके रिकमेंडेशन पे, रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, राइट। मनोहर मुमतानी मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन के हेड हैं,
इस्टेब्लिश कब हुआ, 13 सितंबर 1995, भोपाल में है इसका ऑफिस। ठीक है, बसंत प्रताप सिंह जी स्टेट इलेक्शन कमीशन को हेड करते हैं, जिसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 फरवरी 1994। और राजेश लाल मेहरा ये एमपीपीएससी को हेड करते हैं, जिसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 नवंबर 1956। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन भोपाल, इनमें से कौन से फेस्टिवल्स जो हैं भोपाल में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऑप्शंस आर लोकरंग, हिंदी नाट्य समारोह, अलाउद्दीन खान, व्याख्यान माला और ऑल। करेक्ट आंसर इज ऑल। ये जो तीनों के तीनों है कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं या कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये किए जाते हैं भोपाल, राइट, ये भोपाल में किए जाते हैं। ठीक, इसमें जो अलाउद्दीन खान व्याख्यान माला है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर अलाउद्दीन खान आता है सिर्फ तो उसका आंसर मैयर होगा, और अलाउद्दीन खान व्याख्यान माला आता है तो उसका आंसर भोपाल होगा। ये क्या होता है, ये लेक्चर बेस्ड, ये क्या है, लेक्चर्स बेस्ड क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, और इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे उज्जैन के ये सारे फेस्टिवल्स हैं वहाँ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उज्जैन में कौन से फेस्टिवल या कौन से समारोह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मैं आपको एक का नाम बताता हूँ, दूसरे का नाम आप बताएंगे मुझे, विक्रम उत्सव। चलिए बाकी एक दो के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं। हमें रिवाइज भी करते रहना, ये नहीं कि आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे हमें कुछ याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वर्चुअल रियलिटी लैब ऑफ मध्य प्रदेश इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, जो पहला एमपी का वर्चुअल रियलिटी लैब है वो कहाँ पर है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। करेक्ट ऑप्शन सर जबलपुर, भोपाल, सांची, मऊ। करेक्ट आंसर इज जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में फर्स्ट वर्चुअल रियलिटी लैब है मध्य प्रदेश का, राइट। भोपाल में क्या है, भोपाल में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट होम्योपैथी फार्मेसिया, राइट, और फर्स्ट सोलर सिटी कौन सा है, फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज सांची, और इंडिया का सेकंड सिटी है ये। मऊ में क्या है, मऊ में क्या है, इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम, राइट, पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पे है, मऊ में है ये। ठीक, तो तीनों चीज़ आप ये भी याद कर लीजिए, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये सारी। ठीक है, चलिए अब हम जो एमपी पॉलिटी से एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है विच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ अशोक मेहता कमेटी, इनमें से जो चार नाम दिए हुए हैं वो सारे के सारे एमपी के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, उसके में पूछा गया आपको कि उसमें से अशोक मेहता कमेटी के मेंबर कौन थे। ठीक है, तो आपको यहाँ ये आंसर करना है कि अशोक मेहता कमेटी के मेंबर इनमें से कौन थे। ऑप्शंस आर कुंवर मोहम्मद अली खान, मोहम्मद सफी कुरेशी, भाई महावीर एंड राम प्रकाश गुप्ता, राइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कुंवर मोहम्मद अली खान, राइट। कुंवर मोहम्मद अली खान कौन थे, मेंबर थे अशोक मेहता कमेटी के। ये कमेटी 1977 में आई थी, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड ये कमेटी थी। ठीक है, अब कुंवर मोहम्मद अली खान इसके मेंबर होने के अलावा इनके बारे में कोई और एक फैक्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट थे मोहम्मद शफी कुरेशी हमारे ऑप्शन में, इनके बारे में आप ये जान लीजिए कि ही वॉज ऑल्सो गवर्नर ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये बिहार और वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार भी प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन कि जो गवर्नर हमारे भी रहे हैं और किसी और स्टेट के सीएम भी रहे हैं। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे गवर्नर इनमें से कौन से हैं जो कि बिहार या वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर रहे हैं और फिर एमपी के भी गवर्नर हैं। एंड मोहम्मद शफी कुरेशी जी के बारे में एक बात और ध्यान रखिए कि ही वॉज अ मेंबर ऑफ फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लोकसभा। ठीक है, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ लोकसभा के भी मेंबर रहे हैं। और भाई महावीर ये कौन थे, ये भी मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे हैं, ये भी मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे हैं, राइट। लास्ट ऑप्शन राम प्रकाश गुप्ता जी के बारे में, ये मुझे बताएं राम प्रकाश गुप्ता जी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि ये इनकी डेथ हुई थी जब ये ऑफिस में थे। इनके बारे में आप दो इन्फॉर्मेशन मुझे या दो फैक्ट आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स आज नहीं था, है ना, तो हम इसी में समअप करते हैं। होप आप रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है एक वीक बाद हम आपका टेस्ट लेंगे। Have a good day. Good luck.